हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों, आज सुबह मॉर्निंग 5 बजे मैं लेके आया हूं आपके लिए 5 बेहतरीन करंट अफेयर क्वेश्चन। वैसे आज कोई खास बात नहीं है, रोज मैं लेके आता हूं। तो आज है तारीख 14 अप्रैल, तो आज स्टार्ट करेंगे आज हम करंट अफेयर की क्लास। सो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए पूरी क्लास जो है स्टार्ट हो रही है। दोस्तों, सुमित 10 मेरा कोड है, सुमित 10 का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे दोस्तों, यू विल गेट अश्योर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको मिलेगी मेरी गाइडेंस, मेरे साथ रहोगे पर्सनली, मेरे साथ आप बैठ के तैयारी करोगे। दोस्तों, ये क्रैक प्रीलिम्स इन 75 डेज के लिए हमने एक यूपीएससी एज प्रोग्राम स्टार्ट किया था, यूपीएससी एज मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन। सो ये फ्री क्लास थी आपका यूट्यूब के ऊपर, विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द 2nd of March 2020। ये हमने स्टार्ट किया था, मैं, सुमित सर और बाकी जो टीम मेंबर्स थे लाइक आशीर्वाद सर, पारिक सर, सभी ने मिलकर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा चल रहा है। अब नाउ वी आर कमिंग विद अ डिफरेंट प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम के लिए मैं आने वाला हूं। दोस्तों, दो बच्चे 2021 की तैयारी के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत जल्दी हम फाउंडेशन बैच जो है वो लेके आने वाले हैं। सो डोंट वरी, स्टे विद अस, हमारे साथ चैनल के साथ ट्यून अप रहिए। और दोस्तों, मैं अश्योर कर रहा हूं आपको, आपकी पूरी जितनी भी जरूरतें हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में हम अनअकैडमी, ये तो हमारा यूट्यूब प्रोग्राम, साथ ही साथ हम कर रहे हैं आपका दूसरा प्रोग्राम भी, जो बेसिकली कहां पर है दोस्तों, अनअकैडमी पर। तो ये जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है हमारा, यहां पर अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है, इंडियन ज्योग्राफी। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं मेरे जो यहां पर आपको अवेलेबल हो सकते हैं, इनके लिए आपको कुछ नहीं करना। जिन बच्चों के पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो जाके एनरोल कर लो, जिनके पास नहीं है दे विल क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, उसको क्लिक करना है, और इसके लिए आप प्रोमो कोड यूज कर सकते हो दोस्तों, सुमित 10। यूज करने का फायदा क्या होगा दोस्तों, पहली बात तो आप मेरे गाइडेंस में रहोगे। देखो, गाइडेंस अगर मेरा चाहिए तो ये कोड जो यूज करना ना आपको बहुत ही क्या होगा दोस्तों, आवश्यक होगा। इट विल बी इजी फॉर मी टू गाइड यू, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपको मिलने वाला डिस्काउंट, जैसे कि 2 ईयर का जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट होता है हमारा यहां पर वैसे 92,000, बट अभी अन अकेडमी एक स्पेशल ऑफर के तहत इट विल प्रोवाइड यू एट 52,000, है ना, 52,000 रुपए का आपको दे रहा है। 52,000 रुपए की जगह कोर्स आपको मिल सकता है 43,243,200 रुपए में। कोड क्या यूज करोगे आप दोस्तों, सुमित 10, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, मैं इकोलॉजी, यहां पर भी आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के द्वारा मेरे से जुड़ सकते हैं, कोड आप सेम यूज करेंगे सुमित 10। चलिए, तो आज पहला जो हमारे पास करंट अफेयर का क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, CGRA। ये क्या है दोस्तों, समझते हैं दोस्तों, ये बेसिकली हमारे RBI के पूर्व गवर्नर है बिमल जलान जलान, और इन्होंने कमेटी बनाई है जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है अबाउट द करेंसी एंड द गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है इनकी रिकमेंडेशन, चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। सो दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेंसी एंड द गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, मुद्रा और गोल्ड रिवॉल्यूशन अकाउंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। बिमल जलान कमेटी रिकमेंडेड RBI टू ट्रांसफर द फंड इन द CGPA। CGPA का मतलब क्या है दोस्तों, आपका करेंसी एंड गोल्ड रिवॉल्यूशन अकाउंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, करेंसी एंड गोल्ड रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्राइजेस अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन द फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड गोल्ड ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट एंड द गोल्ड एंड द प्राइस ऑफ द गोल्ड। तीसरा कह रहा है दोस्तों, CGRA कैन बी यूज्ड टू कॉम्पनसेट RBI's लॉस इन द वैल्यू ऑफ द गोल्ड एंड फॉरेन होल्डिंग्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डिंग, है ना, ये तीसरी चीज आपको। अब दोस्तों देखो, समझना क्या है, मेन बात समझने की क्या है, मैं आपको बता देता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि RBI क्या करता है दोस्तों, RBI अपने पास रिजर्व रखता है किसके दोस्तों, आपके गोल्ड के भी रिजर्व रखता है, साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो किसके रखता है, आपका फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज, है ना, फॉरेन करेंसी रखता है। अब होता क्या है ना, गोल्ड के प्राइस तो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज जो है, जो हम फॉरेन करेंसीज रखते हैं, वो भी भारत के रुपी के हिसाब से बढ़ती और घटती रहती है। तो सपोज RBI ने, मैं मान के चलता हूं 10 kg सोना रखा हुआ है, सपोज मान लेते हैं, जो पहले कितने रुपए का था, मान लेते हैं 100 rupees का था, लेकिन आफ्टर 1 ईयर ये 10 kg जो सोना था ये कितने का हो गया आपका 200, तो ये गेन हो गया ना दोस्तों। तो ये जो होता है गेन और लॉस जो होता है वो किसके अंडर काउंट होता है दोस्तों, वो काउंट होता है आपका इस अकाउंट के अंदर, CGRA के अंडर में होता है, ठीक है। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर लॉस और गेन होता है, वो भी CGRA के अंडर में काउंट होता है। तो उसके ऊपर अभी भारत, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर एक पास जो अकाउंट था ना, उसमें कुछ एक्यूमुलेटेड वेल्थ थी, कुछ पैसा जो था लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास जमा हो रखा था। तो बिमल जालान कमेटी उस पर बनाई गई थी, तो बिमल जालान कमेटी ने रिकमेंडेशन, सिफारिश क्या दी है, नॉट टू ट्रांसफर दिस फंड टू द गवर्नमेंट।
उन्होंने बोला है कि सरकार को ये फंड, ये आरबीआई को ये फंड सरकार को हस्तांतरित नहीं करना चाहिए। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कोई भी सिचुएशन अराइज हो सकती है, तो उस केस में हमें इन पैसों की क्या पड़ सकती है, हमें इस फंड की क्या पड़ सकती है दोस्तों, जरूरत पड़ सकती है। सो इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये पहला स्टेटमेंट, अगर वो बोलता नॉट टू ट्रांसफर देन इट विल बी ओके, अदरवाइज दिस इज रॉन्ग एंड दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका सी क्वेश्चन ओनली 2 and 3, ठीक है, ये इसका क्या है दोस्तों सही जवाब है। अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डेडिकेटेड नॉट टू ट्रांसफर, डिसाइडेड नॉट टू ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम द सीजीआरए करेंसी एंड गोल्ड रिवोल्यूशन अकाउंट विच हैज 7,30,000 crore ऑफ द अनरियलाइज्ड गेन टू द गवर्नमेंट एज रिकमेंडेड बाय द बेमल जालान कमेटी। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अभी अगर आप बात करोगे 2017-18 में तो 6.9 lakh का तो आपका क्या है दोस्तों करेंसी एंड गोल्ड रिवोल्यूशन अकाउंट है, और कंटीजेंसी फंड कितना आपका 2.3 lakh का, जो कंसिस्टेंटली आरबीआई जो उसको क्या कर रहा है दोस्तों मेंटेन कर रहा है। CGRA comprises unrealized gain on the loss on the foreign currency assets due to the movement in the exchange rate, मैंने बताया आपको। RBI क्या करता है दोस्तों, RBI के पास में गोल्ड रिजर्व है, ठीक है, रखना पड़ता है उसको भाई, टू कप आपका नोट प्रिंट करना है, ऐसे उसको फॉरेन करेंसी भी रखनी पड़ती है, ठीक है, फॉरेन करेंसी जो है वो RBI तो रखता है, तो इनके ऊपर क्या होता है गेन और लॉस होता है, गेन और लॉस होता है दोस्तों, तो वो गेन और लॉस किस अकाउंट के अंदर आता है, इसी अकाउंट के अंदर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चलिए तो CGRA कैन यूज नॉट ओनली फॉर द मीटिंग, ये वही बात है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इसको बोलते हैं PCA, बहुत न्यूज में रहा है दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली भारतीय बैंकों के पास जिनका NPA है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है लगातार शूट अप हो रहा था, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए आरबीआई कुछ स्टेप्स लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ऑफ आरबीआई। सो क्या है ये एक्शंस, जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से इनके बारे में बात कर लेते हैं। सो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क डीम्स बैंक एज अ रिस्की इफ द स्लिप बिलो सर्टेन नॉर्म्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, इनमें से कौन से ऐसे पैरामीटर है जिनके आधार पर आरबीआई जो PCA के एक्शन लेता है, PCA फ्रेमवर्क के एक्शन लेता है, समझना आपको। पहला है दोस्तों नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दूसरा है रिटर्न ऑन एसेट, तीसरा है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जिसको CRB बोलते हैं हम आपका, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो तीनों चीजें सही हैं, तीनों के बेसिस पर डिसाइड होता है, तो डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तीनों के तीनों क्या होते हैं सही, तो आरबीआई तीनों के बेसिस के ऊपर ये सारे काम जो है दोस्तों करता है। आप यहां देख भी सकते हो मेरे साथ, इसकी अलग अलग थ्रेशोल्ड होती है, तीनों पैरामीटर के आधार पर आरबीआई ने थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है, फर्स्ट थ्रेशोल्ड, सेकंड थ्रेशोल्ड और ये थर्ड थ्रेशोल्ड, तीनों थ्रेशोल्ड के आधार पर आरबीआई क्या करता है दोस्तों डिसीजन लेता है। पहले थ्रेशोल्ड में क्या डिसीजन लेगा आरबीआई, भाई बैंक के कुछ एक्शन के ऊपर रोक लगाएगा तो वो ये रहे, सेकंड में भी बैंक के कुछ एक्शंस पर रोक लगाएगा वो ये रहे, और थर्ड में भी कुछ बैंक के एक्शंस पर रोक लगाएगा वो ये रहे, ठीक है। पहले में क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेमिटेंस ऑफ द प्रॉफिट, भाई जो आरबीआई जो बैंक का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं, है ना, डिविडेंड क्या होता है दोस्तों जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं तो बैंक के प्रॉफिट के ऊपर जो उनको पैसा मिला था जो उनके साथ जो प्रॉफिट शेयर किया दैट इज नॉट द डिविडेंड, तो डिविडेंड भेजा गया होगा उनको, रेमिटेंस ऑफ द प्रॉफिट, तो इसके लिए मोर कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय ऑनर प्रमोटर इन केस ऑफ द फॉरेन बैंक्स, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना, अब डिस्क्रिशनरी एक्शन बाय द रेगुलेटर ये भी नहीं ले सकता। सेकंड थ्रेशोल्ड अगर वो पार दूसरी लिमिट पार कर देता है तो क्या कर दिया जाता है, तो ये तो होंगे ही होंगे, साथ साथ में क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ब्रांच एक्सपेंशन, अब ब्रांच एक्सपेंशन नहीं होगी, है ना, हायर प्रोविजनिंग एज पार्ट ऑफ द कवरेज रिजीम और डिस्क्रिशनरी एक्शन बाय द रेगुलेटर, और आरबीआई कोई भी अलग से अपना मर्जी से कोई और भी एक्शन ले सकता है। थ्रेशोल्ड नंबर 3 पे क्या होता है दोस्तों, रिस्ट्रिक्शन बाय द ऑन डिविडेंड, तीसरे में ये तो होगा, रिस्ट्रिक्शन ब्रांच एक्सपेंशन और मैनेजमेंट कंपनसेशन और डायरेक्टर फी के ऊपर भी वो लग जाएगा, और भी कोई एक्शन जो है वो आरबीआई चाहे तो ले सकता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये किसके अंडर में काम करता है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। चलिए लेट्स सी द केस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल बुक ट्रस्ट, NBT इज इंडिया वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऐसा है क्या, अभी तो पढ़ा है हमने, इधर देखो ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द इंडिया ईयर बुक, ठीक है, उससे सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आते हैं। दूसरा कह रहा है इट इज अ नेशनल बॉडी फॉर बुक पब्लिशिंग एंड द बुक प्रमोशन ऑफ इंडिया, नाम से ही पता चल रहा है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सेकंड स्टेटमेंट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड कैट इज द एक्ट, इट ऑल्सो एक्ट एज अ रिपोजिटरी ऑफ नॉन करंट रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड होल्ड दैम इंटरेस्ट फॉर यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्कॉलर, तो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, ये काम किसी और का होता, अभी किसका होता है मैं आगे बताऊंगा, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है दोस्तों सही है, सो बी इज द आंसर। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द नेशनल बॉडी फॉर बुक पब्लिशिंग एंड बुक प्रमोशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमने बात कर लिया, ये लेट्स टूगेदर टू फाइट द कोविड, ये आपकी बात है,
और ये पीडीएफ एंड सेलेक्ट एनबीटी बुक्स फॉर फ्री, तो ये डाउनलोड आप कर सकते हो। इसीलिए हमने दोस्तों ये जो है बात की थी किसकी, COVID-19 से लड़ने के लिए आपकी बहुत सारी पीडीएफ्स और बुक्स जो है वो इसने पब्लिश की है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये है रिपोजिटरी किसकी दोस्तों, नॉन करंट अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड होल्ड देम इन द ट्रस्ट फॉर यूज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द स्कॉलर। ठीक है, अब एक आपने स्कीम देखी होगी पीएम बीजेपी, ये बीजेपी कोई और स्कीम नहीं है, दिस इज भारतीय जनऔषधि प्रोग्राम। तो जनऔषधि प्रोग्राम के लिए एक ऐप बनाई गई है सुगम ऐप, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हो। क्या है पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं दोस्तों, आप सुगम ऐप के बारे में कुछ बातें देखेंगे, उसके बारे में आपको सही जवाब देना है। द एप्लीकेशन इज डेवलप्ड अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इट इज द प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर पीपल टू गेट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन विच आर बींग सोल्ड एट द लोअर प्राइस इन द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। सही बात कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों को ना इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जहां पर हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं दोस्तों, यहां पर बेची जाती हैं पीएम बीजेपी के अंडर में। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, करेक्ट है, सी बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये ऐप है दोस्तों, ये जो भारत सरकार का जो जनऔषधि, जेनरिक क्या होती है आपको पता है, देखो जो हम बाहर से दवाइयां खरीदते हैं कितनी महंगी होती है, उनपे ना ब्रांड का नाम होता है। ठीक है, और दवाइयों में क्या होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं। तो अगर मैं ब्रांड के साथ बेचूंगा तो ब्रांडेड कंपनी, और अगर मैं ब्रांड हटा दूं सेम सॉल्ट के अंदर, जो उसमें इसमें जो ब्रांड वाली दवाई होती है ना, उस पर बस लिखा होगा सिप्ला, ठीक है, रेनबैक्सी, वो दवाई सेम होगी, सॉल्ट सेम होगा, लेकिन इसी को अगर मैं बिना ब्रांड के बेचूं ना, तो ये हार्डली कितने रुपए में बिकेगी, ये 10 रुपए होगा, इसकी कीमत 10 रुपए होगी, लेकिन यहां पर इसको कितने में बेचा जाता है आपका, 200 रुपीज में। ठीक है, तो ये होती है जेनेरिक मेडिसिन, उसी के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना है, और इससे अगर कुछ जानना है तो आप सुगम ऐप के माध्यम से सरकार से जुड़ सकते हो। ठीक है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है दोस्तों, तो आपको बताना है किसने पब्लिश की है। तो मैं बता दूं, ये रिपोर्ट पब्लिश की है WHO ने इन एसोसिएशन विद द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के साथ में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या होगा इसका दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। ऑन द हेल्थ डे ये रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई है दोस्तों, किस किस के साथ की, जुड़ना चाहते हैं दोस्तों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, वो इसे आपको डाउनलोड कर सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करोगे तो क्या होगा, देखो उसमें ऑप्शन आएगा प्लस, उसके बाद करो आप चूज योर गोल, गोल मेरा है UPSC CSE, उसके बाद में आपको जाना है कहां पर, गेट सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्रिप्शन पे जाना है। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे तो आपको चूज करना है 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, या आपको 92,000 का है वैसे तो, अभी मिल रहा है कितने में पता है, 52,000 रुपए में। आपको नहीं लेना कोई बात नहीं, आप यहां पर कोड डाल दो, इससे भी कम हो जाएगा ये 43,200 का फॉर 2 ईयर, 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ कितने में मिलेगा आपका, 43,200 रुपए के अंदर। प्रोसीड टू पेमेंट, साथ में देखो सुमित 10 के फायदे हैं दो, पहला तो मेरा होगा आपके साथ में पर्सनल गाइडेंस, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट की तो बात ही नहीं है सर, सपनों की उड़ान है, डिस्काउंट की हम बात नहीं करते, बट फिर भी ये इतना डिस्काउंट भी काफी ज्यादा है। बट साथ ही साथ आपको मेरा पर्सनल असिस्टेंस जो इसमें मिलने वाला है, दैट इज वर्थ इस, वो उसकी क्या होगी दोस्तों, वर्थ। और आप चाहते हैं मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, तो आपको यूज क्या करना है दोस्तों, कोड दैट इज सुमित 10 आपको यूज करना है। चलिए, ऑन दिस नॉट वी आर एंडिंग द टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं 8 बजे क्लास।